नमस्कार, राम राम। एसी एस्ट्रो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 4 नवंबर को शनिदेव मार्गी हो गए, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग कमेंट में सवाल पूछ रहे थे कि रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे हैं। इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि अभी एक छोटा सा पेच है। क्या है वो पेच? आखिर ऐसा क्या होगा कि शनिदेव कुछ दिन बाद रिजल्ट देने वाले हैं? चलिए उसके लिए स्वागत कर लेते हैं सबसे पहले आकाश चौहान जी का, कैलगरी कैनेडा से, जो इस भेद से पर्दा उठाएंगे। नमस्कार आकाश जी। राम राम। नमस्कार रोहित जी। हाँ जी, शनिदेव अभी डायरेक्ट तो हो गए 4 तारीख से, लेकिन नक्षत्र जो उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले ही जिसमें एंटर किया था, धनिष्ठ नक्षत्र, वो नक्षत्र मंगलदेव का नक्षत्र है और वो नक्षत्र में एक छोटे सा इशू है। वैसे तो बहुत क्रिएटिव नक्षत्र है, धनिष्ठ नक्षत्र का जो सिंबल है वो भी एक ढोल है और बहुत सारे लोग धनिष्ठ नक्षत्र के बहुत अच्छे परफॉर्मिंग आर्टिस्ट या सिंगर्स होते हैं या म्यूजिशियंस होते हैं, लेकिन धनिष्ठ नक्षत्र का एक और जो फैक्टर है वो है कौरल, यानी लड़ाई। तो कौरल सम नक्षत्र है धनिष्ठ। तो जी आज हम बात करेंगे शनिदेव जब सत्विशा नक्षत्र के अंदर एंटर करेंगे, और वो करेंगे 24 नवंबर 2023। सत्विशा नक्षत्र राहु देव का नक्षत्र है। ये नक्षत्र का अगर थोड़ी सी गहराई में जाए तो ये नक्षत्र कैसे आया, तो जब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया और जब उन्होंने राक्षस का वध करके जब वो वापस धरती पर लौटे, उन्होंने धरती को बचाया, तब वो आकर जब वो बहुत ज्यादा थक गए, क्योंकि देखिए ईश्वर भी थे, उन्होंने एक पावरफुल डीमन के साथ लड़ाई की। जब वो आकर लेटे तो माँ लक्ष्मी ने जब स्वर्ग से देखा कि अरे मेरे हस्बैंड काफी थकान में एकदम ठंड के अंदर लेट गए आके, तो उनको थोड़ी सी मुझे हेल्प करनी चाहिए। तो वो फटाफट नीचे उतरी और उन्होंने अपनी शॉल होती है जो, वो लेकर विष्णु जी पर डाल दिया। तो जो वो शॉल के कोने थे वहां से निकला सत्पिशा नक्षत्र। वो उस समय पे कॉन्स्टिलेशन में जब ईश्वर को जरूरत थी हीलिंग की, तो वो टाइम पे सत्पिशा नक्षत्र के अंदर 100 स्टार बोलते हैं, 100 स्टार होते हैं, 100 सितारे जो आपको हीलिंग में, आपकी हीलिंग के अंदर हेल्प करते हैं। लेकिन देखिए फिर भी राहु देव का नक्षत्र है तो थोड़ा सा इसमें और भी बहुत सारी चीजें हम देखने को मिल सकती है। एक ऐसी चीज है एडिक्शन। एडिक्शन अगर देखना होता है रोहित जी, तो वो सत्विशा नक्षत्र से देखा जाता है। इनफैक्ट ये भी देखा जाता है कि यूजेज ऑफ ड्रग्स, जो लोग ड्रग्स यूज करते हैं, अब ऐसा नहीं कि जो ड्रग्स खाने का यूज करते हैं, जो लोग नशा करते हैं, जो लोग ड्रग्स यूज करके दूसरों को ठीक कर सकते हैं, वो भी सत्विशा नक्षत्र से देखा जाता है। तो सत्विशा नक्षत्र एक बहुत इंपॉर्टेंट नक्षत्र है एंड ये पड़ता है एक्वेरियस में, यानी कुंभ में। ठीक है रोहित जी, इस समय शनिदेव ट्रांजिट करेंगे 24 तारीख से, और 12 राशियों के लिए क्या क्या, 12 लग्नों के लिए क्या क्या लेके आएंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम मेष राशि के, मेष लग्न के लिए। अब मेष लग्न को देखेंगे तो हम 11वें घर में शनिदेव का ट्रांजिट हो रहा है, और 11वें घर में शनिदेव का ट्रांजिट होने का मतलब यह है कि शनिदेव इस कुंडली में बहुत बेनिफिक है, क्योंकि कर्म के भी मालिक है और लाभ के भी। तो कर्मेश भी है, लाभेश भी है, ये दोनों कर्म और लाभ का मालिक जब मूल त्रिकोण स्थान में सत्विशा नक्षत्र में एंटर करेगा, तो इसके बाद आप देख सकेंगे कि आपकी बड़ी बड़ी मनोकामनाएं जो आपकी थी वो पूरी होने लगेगी। साथ साथ में आपके दोस्त, आपके मित्र आपकी बहुत मदद करने लगेंगे, और आपके गोल्स, आपने अगर कोई ऐसे रखे कि यार ये पूरे साल हो गया ये तो खत्म ही नहीं हो रहा था लेकिन ये मैं अचीव ही नहीं कर पाया, तो ये टाइम पे अगर आप थोड़ा सा जोर लगा ले तो साल खत्म होने के पहले पहले आप उसे अचीव कर पाएंगे। साथ साथ में रोहित जी देखेंगे तो अगर शनिदेव ऐसे ग्रह है जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाते हैं, जो आपको ईश्वर की तरफ, देखिए जब तक आपको मारना पड़े तब तक ईश्वर याद नहीं आते, शनिदेव आपको आगे थोड़ी सी ऐसी छड़ी जो घुमाते हैं उसके बाद आप ईश्वर की तरफ आराधना में, उसकी सेवा में आप जुट जाते हैं, तो ये आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी लेकर जा सकता है। रोहित जी एक और बात यहाँ पर बहुत कॉमन देखने को मिली कि सत्विशा नक्षत्र जो है यहाँ पर गेन्स, यानी पैसों का जो लाभ होता है वो भी बहुत, राहुदेव मटीरियल वेल्थ, राहुदेव का काम है अपना मटीरियल वेल्थ को किस तरह से आपको पहुंचाना है आपके पास, वही काम है उनका। तो जो लोग स्पिरिचुअलिटी तो करते ही है लेकिन साथ साथ में मटीरियल वेल्थ की भी जिनको चिंता है, तो यहाँ पर आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा मटीरियल वेल्थ के रिलेटेड। रोहित जी एक और बात सबको बताना चाहूंगा, जो लोग सीखते भी है, जो लोग नया नया, मैं भी सीख ही रहा हूँ आप लोगों के साथ,
देखिए, 10वें घर का मालिक 11वें घर में आया तो पिछले घर का रिजल्ट भी आपको मिलने वाला है, क्योंकि दोनों घर का मालिक एक ही बंदा है। तो पिछले घर का रिजल्ट के हिसाब से करियर में ग्रोथ, करियर में आपके गोल्स कंप्लीट होना, करियर में आपको नई ऊंचाई देखने को मिलना, या करियर अगर आपका नहीं शुरू हुआ है तो अब शुरू हो जाना, ये भी देखने को मिलता है। एकदम फॉर्चुनेट अगर हम देखें तो 10, 11वां घर, 12वां घर, 1, ये तीनों इस समय पे ऑक्यूपाइड है। 11वें घर में शनि देव है, 12वें घर में राहु देव है और पहले घर में बृहस्पति देव है। तो शनि देव की जो दृष्टि है रोहित जी, ये भी बहुत अच्छी हो गई है इस समय। शनि देव की जो तीसरी दृष्टि है यहाँ पर पहले घर में, यहाँ पर बृहस्पति देव बैठ के उसको पूरी तरह से, बोलते ना, शील्ड बन के बैठेगी, मैं यहाँ पे तकलीफ देने नहीं रहूंगा। लेकिन फिर भी शनिदेव का काम है थोड़ा स्लो कर देना, तो यहाँ पर आपको वो थोड़ी अपनी फिजिकल है ना बॉडी यूज करने में थोड़ा स्लो कर देंगे। साथ साथ में शनिदेव का जो एजुकेशन पे दृष्टि है, जो क्रिएटिविटी पे दृष्टि है, यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा स्लो एंड स्टेडी आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और शनिदेव की जो अष्टम, यहाँ पे 10वीं दृष्टि जो आपके अष्टम में आ रही है, इसका मतलब यही है कि सडन इवेंट्स यानी एक्सीडेंट्स वगैरह ये सब चीजों से बचकर रहने की आपको बहुत आवश्यकता है, तो थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। एंड ऑफ द वीडियो में हम हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि सतविषा नक्षत्र नक्षत्र है हेल्थ से रिलेटेड, है ना, हीलिंग से रिलेटेड, तो हमने भी एक ऐसा यंत्र आपको आगे बताया है जो अश्विनी देवता अश्विनी कुमार के साइड रिलेटेड है, और किस तरह से उसको सिंपल यंत्र को करने से आपकी हेल्थ रिस्टोर हो सकती है। फिर से टॉरस यानी वृषभ लगन रोहित जी, शनिदेव यहाँ पर आपके 10वें घर में आ गए हैं, 9वें घर का मालिक 10वें घर में, 10वें घर का मालिक भी 10वें घर में, यानी भाग्य आपका उदय होगा आपके वर्क प्लेस पर, आपके करियर के अंदर आप एक नया पर्पस देख पाएंगे। साथ साथ में अगर आप देखेंगे तो ह्यूमैनिटेरियन यानी इंसानियत वाला काम करेंगे आप। देखिए 9वां घर इंसानियत का घर है, और 9वां घर का प्लैनेट जब एक घर आगे आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपको इंसानियत के रिलेटेड या आपको अच्छे कर्म कराएगा, शुभ कर्म करवाएगा आपसे। तो इस समय पे शनिदेव आपके लिए शुभ कर्म करवाएंगे। शनिदेव की दूसरी कहानी ये है कि जो नक्षत्र में वो अब है धनिष्ठा नक्षत्र में, यहाँ से जैसे ही वो आगे बढ़ेंगे सतविषा नक्षत्र में, तो अगर आपके वर्क प्लेस पे अगर आपकी कोई इंजरी है, मतलब इन द सेंस नॉट फिजिकल इंजरी बट मेंटल इंजरी, यानी कोई प्रॉब्लम आपको वर्क प्लेस पे भी देखने को मिल रही है, कोई चीज आपकी हिसाब से चली नहीं रही, लोग आपके पीछे पड़े हैं, लोग आपको कलीग्स आपको दुख तो पहुंचाने के पीछे पड़े, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सुख देखने को मिलेगा। अचानक से आप भी ये हो जाएंगे कि अरे ये कैसे हो गया अचानक से, तो शनिदेव का ये कृपा है भाई, स्लोली करते हैं पर परमानेंट करते हैं, याद रखना शनिदेव का काम है ये। और वार्निंग भी देते, इस जब भी वो रेट्रोगेट होते वो टाइम पे वार्निंग ही होती कि भाई ये जगह को सुधार लो वरना मैं जब डायरेक्ट हो जाऊंगा मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। सो अगर आपने अपनी हमारी पुरानी वीडियो देखी होगी जिसमें शनिदेव जब रेट्रोगेट हुए थे हमने बनाई थी, और धनिष्ठ नक्षत्र वाली भी बनाई थी, तो उसमें हमने यही कहा था कि शनिदेव रिपेयर का टाइम देते कि भाई रिपेयर कर लो अपने आप को वरना मैं जब डायरेक्ट होऊंगा मैं छोड़ूंगा नहीं। तो अगर आपने रिपेयर किया होगा तो शनिदेव आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। इस समय पे आपको आउट ऑफ द वे जाना है, मेक श्योर करना है आप पूरी कायनात से लड़े और किसी की सेवा करें, किसी की मदद करें अपने वर्क प्लेस पर। दूसरी बात यह है कि शनिदेव की दृष्टियां, शनिदेव की जो दृष्टि है तीसरी, वो चल रही है आपके 12वें घर पे, तो आप वर्क रिलेटेड फॉरेन ट्रैवल भी आपके लिए बहुत ज्यादा बोलते ना दिख रहा है यहाँ पर कि हो सकता है। साथ साथ में चौथे घर पे दृष्टि है, यहाँ पर घर के अंदर रिपेयर होना या घर के अंदर कोई तरह की चीजें के बारे में आपको रिपेयरिंग करवानी या उसको हील करना, घर के अंदर जो दीवार आपकी खराब है जो आप ऊपर देख रहे हो अभी, वो दीवार को वापस ठीक कराना, ये समय उसके लिए एकदम परफेक्ट है। साथ साथ में मदर की हेल्थ में भी आप अच्छा बेनिफिट देख पाओगे, क्योंकि उसका एक और रीजन है रोहित जी, ऐसा अकेला नहीं है, उसमें जुपिटर की भी दृष्टि वहां जा रही है। बृहस्पति देव 12वें घर में बैठे हुए हैं जो शील्ड बन के बैठे हुए हैं, तो लॉसेस नहीं होने देंगे टॉरस को। साथ साथ में बृहस्पति देव की दृष्टि भी जा रही है इनके चौथे घर पे, तो बृहस्पति देव यहाँ पर मेक श्योर करेंगे कि आपको एक्सपेंशन हो इस घर में। सो दुख में एक्सपेंशन ना हो इसलिए भगवान से कृपा चाहते हैं, सुख में एक्सपेंशन हो। साथ साथ में शनिदेव की 10वीं दृष्टि जा रही है आपके 7वें घर पे, तो पार्टनरशिप्स के थ्रू आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। आपको कहते हैं ना कि पार्टनरशिप आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रोहित जी, हम हर चीज के पार्टनर होते हैं, हम अपने ऑफिस कलीग के पार्टनर है, हम अपनी वाइफ यू नो हस्बैंड के पार्टनर है, हम अपने मदर के पार्टनर है, हम अपने सब चीज में पार्टनरशिप देखें, दोनों दो हाथ के बिना ताली नहीं बजती, वही वाला मामला है। तो आपको पार्टनरशिप के थ्रू अच्छी राइज देखने को मिल सकती है इस समय। सो होपफुली भगवान करे आपके लिए बहुत बहुत शुभ समय हो। शनिदेव जब सतविषा नक्षत्र में जाए तो एकदम मूल त्रिकोण राशि में तो बैठे है वो, तो यहाँ पर वो आपको बेस्ट बेनिफिट देने लग जाए, बस यही मेरी
ईश्वर से कृपा है। साथ साथ में हेल्थ के लिए यंत्र हमने बताया आगे चलकर कि किस तरह से हेल्थ को अगर आपको सही रास्ते पे लाना है, या काफी मिरेकुलस यंत्र है, काफी लोगों की तो हेल्थ एकदम पूरी तरह से रिस्टोर हो गई। कभी कभी हमारी हेल्थ से ज्यादा हमें मेंटल स्ट्रेस हो जाती है कि है ना शायद ऐसा कुछ, वहम से भी निकालने वाला यंत्र वो यंत्र है। जेमिनाई यानी मिथुन लगन, रोहित जी मिथुन लगन के लिए शनिदेव जा रहे हैं नौवे घर में, अष्टम का मालिक नौवे घर में आके सत्विशा नक्षत्र के अंदर प्रवेश करने वाला है धनिष्ठा से। तो इसका मतलब ये है कि अगर जो अनसर्टेनिटी चल रही थी मंगल देवता की वजह से, तो अनसर्टेनिटी आपकी हेल्थ में चल रही थी, ये आपके लिए थोड़ा सा रिलीफ लेकर आएगा। जो अनसर्टेनिटी आपकी कोई एक्सीडेंट हुई हो या कोई सॉरी टू से बट लॉसेस इन जॉब हुआ हो, ऐसे चीज में भी आपको शनिदेव अब रिपेयर करने का शुरू कर देंगे। अगर आप देखेंगे तो आपके तीनों घर, नौवा घर, दसवा घर, ग्यारहवा घर, ये तीनों बोलते ना इस समय पे फुल है, मतलब हाउस फुल है। नौवे घर में शनिदेव, दसवे घर में राहु देव, ग्यारहवें घर में बृहस्पति देव, और ग्यारहवें घर का बृहस्पति तो आपको बहुत गेंस देता है, बहुत ज्यादा आपको कहते हैं एक्सपैंड करता है आपके होराइजन्स को। और शनिदेव भाग्य स्थान का मालिक, भाग्य में आकर मूल त्रिकोण में जाकर सत्विशा नक्षत्र जो राहुदेव का नक्षत्र है, तो आपको करियर में तो एकदम जबरदस्त ग्रोथ देने वाला है। साथ साथ में क्योंकि नौवा घर स्पिरिचुअलिटी का घर है, धन का भी घर है, एक हिसाब से पांचवें से पांचवा है, तो ये किसका हो गया, धन का घर। और कहते हैं ना कि सडन किस्मत से मिलने वाला धन, सेकंड से अगर हम देखेंगे, दूसरे घर से अगर हम इसको काउंट करेंगे तो अष्टम आ जाता है ये नौवा घर, तो दूसरे घर से अष्टम मतलब सडन गेन्स, और ग्यारहवें घर से ग्यारहवा घर। तो जी इसके लिए तो कहते हैं इसको भाग्यस्थान, ऐसे थोड़ी ना हलवा रखा है इसका नाम भाग्यस्थान। लोगों ने सुना है भाग्यस्थान क्यों है, भाग्यस्थान क्यों, किसी ने उसका लॉजिक करने की कोशिश की है कि क्यों है। सेकंड से अष्टम है अचानक से धन देने वाला, फिफ्थ से फिफ्थ है अचानक से आपको लक्ष्मी माता का त्रिकोण, और लक्ष्मी माता का त्रिकोण ये दूसरा त्रिकोण बनता है यहाँ पर, और ग्यारहवें से ग्यारहवा है, मतलब अगर रियल गेन्स देखना है तो ग्यारहवें से ग्यारहवा काउंट करो तो आपको पता चलेगा नाइन्थ हाउस से मिलेगा। ये है असली कहानी नाइन्थ हाउस के भाग्यस्थान बनने के रीजन से। नाइन्थ हाउस लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी का भी है, तो अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी के बारे में सोच रहे कि लंबी यात्रा करें, कोई कहते हैं ना कि कोई पिलग्रिमेज पे जाए, तो ये पिलग्रिमेज पे जाने का या तीर्थ पे जाने का आपका समय है। अगर आप, मैंने अभी अभी बस कोई है जमीना एसेंडेंट वाला, अभी तो शनिदेव गए भी नहीं, लेकिन गोल्डन टेम्पल गए हैं मेरे बहुत प्यारे से सरदार जी है हमारे क्लाइंट, और गोल्डन टेम्पल जाके उन्होंने कल फोटो भेजी की सर गोल्डन टेम्पल में, इतना अच्छा लगा मुझे देख के, जमीना एसेंडेंट है मुझे याद है अच्छे से। मैंने बोला भी था कि अभी शनिदेव देखे आपके बैठे ही नौवे घर में, तो आपको तीर्थ पे लेके जाएंगे, और मलेशिया से गए, मलेशिया से गोल्डन टेम्पल गए, तो इसका मतलब देखिए लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी भी करा दी और तीर्थ भी ले गए। तो आप ऐसे समय पे तीर्थ पे जाना शुरू करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। एक छोटा सा मैं स्टोरी पढ़ रहा था, उसमें रोहित जी लिखा था कि वो लोग क्या भगवान को पाएंगे जो तीर्थ पे जाने की बात करते हैं, वो लोग क्या ईश्वर को पाएंगे जो तीर्थ पे जाने की बात करते हैं, वो तो अपने घर से 100 कदम पर मंदिर भी नहीं जाते, तो वो क्या भगवान को पाएंगे कभी सोचेंगे कि हम तीर्थ चले जाए। पहले तो नॉर्मल जो अपने घर के सामने चीज है उसमें तो चले जाओ, बाद में आगे जाओ। तो होपफुली भगवान करे कि आपके लिए जेमिनी एसेंडेंट वालों के लिए सही रहे, क्योंकि आपकी दृष्टियां भी शनिदेव की देखेंगे तो जो तीसरी दृष्टि वो आपके ग्यारहवें घर पे जा रही है, वहां ऑलरेडी बृहस्पति देव शील्ड बनकर बैठे, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे और उल्टा गेम्स दिलाएंगे। साथ साथ में दूसरी जो दृष्टि है शनिदेव की, जो सातवीं दृष्टि, वो जा रही है आपके थर्ड हाउस में, कम्युनिकेशन वाले घर में, और यहाँ पर भी देखेंगे तो बृहस्पति देव की दृष्टि है, तो ये दोनों दृष्टियां एक साथ जा रही है, ये घर भी आपका प्रोटेक्टेड है। अब खाली एक ही कहानी है, जो दसवीं दृष्टि है शनिदेव की, वो आपकी अष्टम पे जा रही है, तो आपको कोर्ट केसेस से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड बहुत ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा आपके लिए बहुत क्लीन सत्विशा नक्षत्र का ये ट्रांजिट शनिदेव का आपको देखने को मिलेगा रोहित जी। सो ब्यूटिफुल है, कोई टेंशन की बात नहीं, मैं तो बड़ा हैप्पी हूँ शनिदेव की ये ट्रांजिट, मैं खुद हैप्पी हूँ अपने लिए, सबके लिए भी हैप्पी हूँ। जी बिल्कुल, और आप और ज्यादा हैप्पी होना चाहते हैं, यानी कि ग्रहों के महत्व को आप समझते हैं कि कैसे चेंजेस आती हैं आपकी जिंदगी में, इसीलिए प्रेडिक्शन देखते हैं ना आप, तो इसीलिए हमने एक पैकेज भी आपके लिए लॉन्च किया है 2024 यानी कि 2024 ईयरली हॉरोस्कोप। आप आकाश जी के साथ बैठे वीडियो कंसल्टेशन पे और उनके साथ मिलके अपने पूरे 2024 को प्लान कर लें, कौन से महीने में क्या करना है क्या नहीं करना है। जी रोहित जी, मूविंग ऑन, कर्क लगन, अगर कर्क लगन की बात करें रोहित जी कैंसर, तो देखेंगे कि हम
सातवें घर का मालिक अष्टम के अंदर तो ऑलरेडी आ चुका है और बहुत लोगों की 7.5 भी लग गई है रोहित रोहित जी, जो मीन लगन के हैं, मीन राशि के हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे यहाँ पर एक और बहुत चमत्कार वाला काम हुआ है, वो ये हुआ है कि जब 7th का प्लैनेट अपने से 8th आ जाता है तो आपके रिलेशनशिप में काफी बदलाव देखने को मिलते हैं। अगर बदलाव नहीं देखने मिल रहे थे तो इसका रीजन था कि शनिदेव धनिष्ठा नक्षत्र में, और धनिष्ठा नक्षत्र का जो कहानी है वो है क्वारल, वो है लड़ाइयाँ, लड़ाइयाँ हो सकती है। लेकिन सातवें घर का मालिक अष्टम में आ तो चुका ही था, वो जनवरी से रेट्रोगेट था, डायरेक्ट हो गया 4 नवंबर को। अब 24 नवंबर को वो चले जाएंगे सत्विशा नक्षत्र में, जो राहु देव का नक्षत्र है। वैसे तो कहा जाता है 6, 8, 12 को दुष्टाना, और ये दुष्टाना के अंदर शनिदेव, राहु देव, केतु देव ये बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, तो शनिदेव आपको रिजल्ट अच्छे देंगे। थोड़ी कॉम्प्लिकेशन है रोहित जी एक चीज के बारे में, कि अगर आप आपको कोई हेल्थ कंडीशन डिस्कवर हो जाएगी, क्योंकि अष्टम घर सीक्रेट का घर है और सत्विशा नक्षत्र भी सीक्रेट नक्षत्र है। इसलिए अगर चंद्र यहाँ आकर बैठ जाता है ना रोहित जी किसी का, जैसे जिनकी 7.5 चल रही है, चंद्र यहीं बैठा है, तो ये लोग बहुत सीक्रेटिव हो जाते हैं, एकदम सीक्रेट, चुप रहते हैं, किसको कुछ बताते नहीं है, क्योंकि इनका सत्विशा नक्षत्र यहाँ पर लगा हुआ है। लेकिन कहानी ये है कि धनिष्ठा नक्षत्र में से निकल के जब सत्विशा नक्षत्र में जाएंगे तो अष्टम का घर आपके लिए एक पैसों के मामले में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा, क्योंकि पैसे जो आपके अगर रुके हुए थे या कहीं से अटके हुए थे या कोई कहानी बन रही थी पैसों को रिलेटेड लेके, तो उसमें आपको बहुत चेंजेस, अपने करियर से बहुत आपको फायदा होने वाला है इस समय पे। क्योंकि देखिए आपका 8वां घर, 9वां घर, 10वां घर तीनों भरा हुआ है, शनिदेव अच्छे नक्षत्र में भी जा रहे हैं, और 10वां घर जो है रोहित जी वो हो गया आपके, कहते हैं ना करियर, करियर से भी ज्यादा बोले तो आपके स्टेटस का घर, आपके कर्म से मिलने वाले रिजल्ट का घर। तो अगर हम देखेंगे तो आपको कर्म से मिलने वाले रिजल्ट बहुत अच्छे होने वाले हैं समय पे, क्योंकि बृहस्पति देव यहाँ बैठे हैं, अष्टम में शनि देव, नवम में राहु देव, और 10वें में बृहस्पति देव। तो वेरी वेरी गुड, बृहस्पति देव की जो दृष्टि है वो भी शनि देव के साथ मेल खाती है। अगर शनि देव की दृष्टि देखे अष्टम से लेके 2nd हाउस में, तो बृहस्पति देव की भी 5वीं दृष्टि वहीं जा रही है। तो यानी आपको ग्रोथ जो आपका होने वाला है आपके पैसों में, खाली उसमें एक छोटी सी बात यह आएगी कि वो स्थिरता से होगा, ऐसे अचानक से नहीं होगा, धीरे 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 आपका ग्रोथ होगा। साथ साथ में अगर शनिदेव की और दृष्टि की बात करें तो अष्टम से शनिदेव दृष्टि डालते हैं आपके 5वें घर पे, तो 2nd हाउस भी एक्टिव हो गया, 5वां घर भी एक्टिव हो गया, यानी धन तो आपके पास आना ही है भाई। जितना स्पिरिचुअल रहोगे, जितना ट्रांसफॉर्मेटिव रहोगे, उतना धन आएगा। जितना आप एडजस्ट करने की कोशिश करोगे दुनिया में, उतना आपको धन मिलने वाला है इस समय पे। शनिदेव अष्टम में बैठे हैं, अष्टम में शनिदेव जहां पर बैठे वहां पर क्या बोलते हैं, जो नक्षत्र में वो जाएंगे और डायरेक्ट रहेंगे इस समय पे, तो आपको थोड़ा सा कहते हैं ना डे ड्रीमिंग का प्रॉब्लम हो जाएगा, कि आप गाड़ी चला रहे हैं, आपकी दुनिया में आपके सनी लियोनी आ रही है, बिल गेट्स आ रहे हैं कि मैं रिच बन जाऊंगा, मैं लड़की, मोह माया, काम वासना, ये सब चीजें आपके मन में आएगी, लेकिन आपको यही चक्कर में एक्सीडेंट होने के चांस हो जाएंगे, है ना। लड़कियां बोलेंगी ऋतिक रोशन, लड़के बोलेंगे कटरीना कैफ, ये सब चक्कर में हो जाएगा आपका ठा। तो ये ठा से बचने के लिए ईश्वर का नाम ले और डे ड्रीमिंग से बचे, शनिदेव डे ड्रीमिंग करवाता है यहाँ पर, सो बी केयरफुल। बाकी एक अच्छा टाइम है स्पिरिचुअलिटी के लिए, इन्वर्ट जाइए, एस्ट्रोलॉजी सीखना जो लोग चाहते हैं, धीरे 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 जितने भी कर्क लगन वाले ये नए नए एकदम बोलते ना कवला कवला आइटम आया है ये बाजार में, बोलते ये नया नया एकदम कौन क्या बोलते ये एकदम छल्ली जो एकदम नई नई कवली कवली आई है, वैसे ही लोग आए ये लोग एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में। उसका रीजन भी ये है क्योंकि शनिदेव यहाँ पर अष्टम में आके इनकी जगा दी एस्ट्रोलॉजी की भावना इनके अंदर। सो होपफुली एस्ट्रोलॉजी को आप पॉजिटिव वे में ले, इससे डरे ना, इनफैक्ट इसको यूज करे पॉजिटिविटी के लिए। लियो एसेंडेंट रोहित जी, लियो वालों के लिए क्या हो रहा है, लियो वालों के लिए शनिदेव चले गए 7वें घर के अंदर ऑलरेडी है, और शनिदेव यहाँ 7वें घर के अंदर धनिष्ठा लड़ाई वाले नक्षत्र से निकलकर अब जाएंगे सुख यानी हीलिंग वाले नक्षत्र में। लेकिन लियो वालों को ध्यान रखना है कि शनिदेव यहाँ पर 7वें घर में जब सत्विशा नक्षत्र पड़ता है आपका, आपकी अंदर हीलिंग कैपेबिलिटी तो आ जाती है लेकिन सीक्रेट अफेयर्स भी दे देता है। देखिए 6th हाउस का मालिक 7वें घर में आ गया, आपका जो दुश्मन है ना वो आपके रिलेशनशिप ही होंगे कहीं ना कहीं, आपके रिलेशनशिप से मिलने वाली जो या अनएथिकल रिलेशनशिप है ना वो आपकी दुश्मन होगी, वो आपकी वीकनेस हो जाएगी। इस समय पे शनिदेव आपके 7th हाउस पर जाकर आपके रिलेशनशिप पर स्टेबिलिटी लाने की कोशिश
करेगा, ये सतविषा नक्षत्र में जाते ही वो स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेगा। देखिए काफी अप्स एंड डाउन्स हुए क्योंकि शनिदेव पहले चलो आए यहाँ पर, कितने लोगों की तो साढ़े साथ ही शुरू हो गई, कितने लोगों का सेकेंड फेज हो गया, कितने लोगों का थर्ड फेज हो गया, है ना। और अब शनिदेव यहाँ पर, दूसरी जो प्रॉब्लम आप देखोगे ना रोहित जी, वो ये है कि शनिदेव यहाँ पर आए, उसके बाद रेट्रोगेट हो गए, 140 दिन के लिए वक्री हो गए, उसके बाद 140 दिन के बाद वक्री होके वो वक्री वक्री अवस्था में शतविषा से निकल के वो चले गए धनिष्ठा में। आपका थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट शुरू हुआ कि वो उन्होंने लफड़ा कर दिया, अब धनिष्ठा से वो वापिस जा रहे हैं शतविषा में। तो मतलब शनिदेव तो खुद सोचो, वो खुद ही इतना परेशान है कि मैं यहाँ जाऊँ कि वहां जाऊँ, तो वो चक्कर में इस समय पे शनिदेव जब सतविषा में जाएंगे राहुदेव के नक्षत्र में, राहु अष्टम में बैठा है, ये भी रोहित ये कहानी है, राहु अष्टम में बैठा है तो सीक्रेट अफेयर्स होने के चांसेस है, बी केयरफुल। ये मेरा भी लियो एसेंडेंट है, भगवान कौन सा सीक्रेट अफेयर होने वाला है बता देना मुझे भी, मैं भी सोचता हूँ क्या अफेयर होने वाला है, सीक्रेट हो तो कुछ अच्छा ही हो, बीवी को पता ना चले वैसा अफेयर। साथ साथ में अगर देखेंगे तो ये स्टेबिलिटी, डीपर कनेक्शंस आपके बनाएगा, और ये टाइम पे आपको एज अ हीलर एक्ट करना है अपने पार्टनर्स के लिए। वो पार्टनर आपका हमेशा सेवेंथ हाउस को ना इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि खाली कहते हैं ना कि पार्टनर ऑफ जो हमारे पार्टनर है उसके हिसाब से देखना चाहिए, कि पार्टनर यानी अपनी वाइफ और हस्बैंड के हिसाब से, आपके ब्रदर भी आपके पार्टनर है, आपके बिजनेस पार्टनर्स भी आपके पार्टनर, आपकी मदर भी आपकी पार्टनर है, आपके फादर भी आपकी पार्टनर है, सारा कुछ देखा जाता है सेवेंथ हाउस से। आप काउंट कर लो चौथे से, चौथा काउंट करो, 1 2 3 4 क्या है रोहित जी, सेवेंथ हाउस। फादर से आप गेंद देख लो, नौवे घर से आप काउंट करो, नौवे घर से ग्यारहवा घर ये आता है, यहाँ पर से फादर से गेंद, फादर के पार्टनरशिप से गेंद देखा जा सकता है। जिन लोगों का नाइन्थ हाउस और सेवेंथ हाउस में कोई कनेक्शन हो, ऐसे लोगों को फादर के रिलेटेड काम करना चाहिए, फादर के साथ काम करना चाहिए, तब इनको गेंद मिलता है। किन लोगों को जिनका फोर्थ हाउस और सेवेंथ हाउस सेम हो या उनका कोई कनेक्शन हो, तो ऐसे लोगों को मदर के बेसिस पे काम करना चाहिए, मदर के साथ काम करना चाहिए या मदर को अपना पार्टनर बना लेना चाहिए। किन लोगों का सेवंथ हाउस का लॉर्ड सेवंथ में ही हो, तो ऐसे लोगों को वाइफ को अपना पार्टनर बना लेना चाहिए। किन लोगों को फर्स्ट हाउस का ओनर सेवंथ हाउस में, तो ऐसे लोगों को किसी को पार्टनर नहीं बनाना चाहिए, खुद ही अपना काम करना चाहिए क्योंकि ये अपने खुद के पार्टनर होते हैं। यही अगर थर्ड हाउस का मालिक यहाँ हो तो ब्रदर्स के साथ, इलेवंथ हाउस का मालिक, इलेवंथ हाउस और सेवंथ हाउस का कनेक्शन हो तो ऐसे लोगों को करना चाहिए कि रिलेटेड टू कोई या तो एल्डर सिबलिंग्स या फ्रेंड्स। तो रोहित जी इस तरह से एस्ट्रोलॉजी देखी जाती है कि किस तरह से पार्टनरशिप देखा जाए। एनीवेज बात यह है कि ये टाइम पे अगर आपकी बिजनेस में कोई ऊपर नीचे चल रहा था तो सतविषा नक्षत्र में जाने के बाद उसमें भी हीलिंग होने लगेगी। और आपको अगर आपका ये टाइम है और आपके बिजनेस में आप इन्वॉल्व हो कहीं पे या कोई वर्क में, तो आपको आगे बढ़कर इसको पॉजिटिव टर्न की तरफ लेकर जाना है। सो ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट मीन्स ऑल द बेस्ट। एंड ऑफ द वीडियो में यंत्र के बारे में बात कर रहे हैं हम, हेल्थ से रिलेटेड यंत्र है ये, हेल्थ से रिलेटेड यंत्र के बारे में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा किस तरह से बनाते हैं। वेरी सिंपल, बनाकर आप अपने घर में ही अपने पास ही बनाकर रख सकते हैं, इसको गले में तावीज की तरह भी पहन सकते हैं ताकि आपकी हेल्थ में बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिले। वर्गो यानी कन्या लगन, कन्या लगन के लिए शनिदेव सिक्स हाउस में, और सिक्स हाउस में शनिदेव का बैठने का मतलब ये है कि वो आपको इस समय पे आपके क्रिएटिव एंडेवर्स यानी आपके क्रिएटिविटी से, आपकी आपके दिमाग की वजह से आपको गेंस देने वाले। और उसका रीजन है कि पांचवें घर का मालिक छठवें में आ गया, तो जब भी कोई प्लैनेट अपने एक, जैसे शनिदेव का खास करके ये कहानी है, शनिदेव अपने से एक घर आगे आके बैठते तो आपको ये पूरे समय पे 17 जनवरी से ये आपको गेंस देंगे। लेकिन क्योंकि ये दुष्टाना है, दुष्टाना में शनिदेव अच्छे रिजल्ट देते हैं, लेकिन फिर भी शनिदेव तो शनिदेव है, राइट। यहाँ पर शनिदेव आपकी डेट बढ़ा सकते हैं, आपकी मतलब लोन बढ़ा सकते हैं आपके ऊपर, आपको कोई हिडन एनिमीज, क्योंकि शतविषा नक्षत्र जो है वो हिडन चीजों का है, हिडन एनिमीज मतलब खाली यही नहीं कहा रोहित जी की आपके जो एनिमीज आपको आके तंग करने की, हिडन एनिमीज मतलब अंदर के छुपे हुए शैतान भी, आपके अंदर मन के अंदर छुपे हुए शैतान भी आपको आकर तंग कर सकते हैं, हेल्थ आपको तंग कर सकती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड क्योंकि सतविषा नक्षत्र में शनिदेव आए हैं, तो आपकी हेल्थ को अगर आपने डिसिप्लिन और रूटीन मेंटेन कर लिया तो आपकी हेल्थ एकदम ज्यादा मतलब एक्स्ट्रा फास्ट ठीक होने लगेगी। और उसका रीजन है रोहित जी, शनिदेव ने क्या किया, यहाँ पर आए तो है पर उन्होंने एट्थ हाउस के साथ भी रिलेशन बना लिया, ट्वेल्थ हाउस के साथ भी रिलेशन बना लिया। शनिदेव की एक दृष्टि जाती है अष्टम पे, एक दृष्टि जाती है ट्वेल्थ हाउस में। अब इस चक्कर में जो दृष्टियां है ना, ये वो थोड़ी सी
शनिदेव की दृष्टि तो मतलब शनिदेव किसको दृष्टि डाल दे तो उसकी तो गेम ओवर है। तो ये तो आपके दोनों घरों पे दृष्टि डाल रही है और तीसरे पे भी डाल रही है जो आपका थर्ड हाउस है, लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और थर्ड हाउस भी देखिए उपचाय हाउस है, नॉट अ वेरी गुड हाउस रोहित जी। सो शनिदेव हर खराब जगह पे दृष्टि डाल रहे, इसका पॉजिटिव आउटकम ये है कि थोड़ा डिसिप्लिन ला दिया ये सब जगह पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर पैसे का लॉस दिखता था धनिष्ठा नक्षत्र में, तो आपके साथ कोई पैसे का फ्रॉड हो सकता है, स्पेक्युलेशन, आपने गलती से कोई कुछ लिंक क्लिक किया, कोई कुछ किया। मेरे यूके के क्लाइंट के साथ हुआ रोहित जी, उनका पैसा चला गया काफी, उन्होंने सोचा कि शायद ये तो मेरा ही ये है, क्या बोलते हैं, तो मेरा ही पेमेंट है, उसने कर दिया, नॉर्टन एंटीवायरस का कोई मेल आया, उन्होंने पेमेंट कर दिया, ले गया पैसा सारा। सो बहुत सारी चीजें हो जाती है ऐसी, तो पूरा थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। साथ साथ में स्टमक के रिलेटेड अच्छा ध्यान रखें, क्योंकि शनिदेव स्टमक में आ गए, शनिदेव पॉइजनिंग करवा सकते हैं, है ना। तो शनिदेव के लिए स्टमक का अपना ध्यान रखें, और ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है तो बस ईश्वर का नाम लीजिए इस समय पे, स्पिरिचुअलिटी को नंबर वन प्रायोरिटी दीजिए। आपके तीनों दुष्टाना एक्टिव है, आपका थर्ड हाउस भी एक्टिव है, स्ट्रगल भी एक्टिव है, तो आपको ये समय पे सिर्फ ईश्वर की जो भक्ति है वही आपको आगे उधर ना पार लगा देगी। बाकी ईश्वर की कृपा रहे आप पर सब पर, बस हमारा तो यही कहते हैं ना, वो हमेशा व्यस्त रहता है। शनिदेव यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट देंगे अगर आप डिसिप्लिन में आए तो, वरना आप कुछ नहीं मिलने वाले। जी डिसिप्लिन जरूरी है। और आप बहुत सारे लोग कमेंट में लिखते हैं कि आकाश जी आप तो बहुत सरल तरीके से समझाते हैं, बहुत सरल उपाय बताते हैं। जी हाँ, सरलता यही सबसे बड़ी खासियत है इनकी, और इसलिए हमने अपने परिवार के लिए एसी एस्ट्रो फैमिली के लिए एक पैकेज भी लॉन्च किया है। पूरा 2024 पहले से ही प्लान कर लें, बैठ जाएं आकाश जी के साथ वीडियो कंसल्टेशन पे। आप पूरे विश्व में कहीं रहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वीडियो कंसल्टेशन में बैठें, अपनी डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स दें और उसके बाद आप प्लान करें अपना 2024। बस करना क्या है, नीचे व्हाट्सएप नंबर और मेल आईडी स्क्रीन पे जो दिख रहा है अपनी डिटेल्स आपको भेजनी है और टीम आपको कॉन्टेक्ट कर लेगी। जी रोहित जी सॉरी, साथ साथ में मैं कुछ काम भी करने लग गया। और रोहित जी अब हम बात करेंगे लीब्रा, लीब्रा वालों के लिए क्या हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे हम तुला लगन, तुला लगन वाले ले लीब्रा, लाइब्रा नीचे लोग लिखते हैं लाइब्रा और ऐसे वो स्माइली बनाते हैं आंख से हंसने वाला, सो सब लोगों को लगता है बहुत फन है, जाके के एन राव सर को बोल के कभी देखना कि लाइब्रा लीब्रा होता है, चिल्लाएंगे। तो सैटर्न मूवमेंट सत्विशा नक्षत्र में चला जाएगा रोहित जी, धनिष्ठा नक्षत्र से रेट्रोगेट थे 4 नवंबर से ठीक हो गए और अब 24 नवंबर को ये चले जाएंगे वापिस से सत्विशा नक्षत्र में, जो राहुदेव का नक्षत्र है। राहुदेव इस समय पर, राहु और केतु आपके लिए लीब्रा वालों के लिए सबसे अच्छा जगह पर बैठा हुआ है, दोनों दुष्टाना में बैठे हुए हैं और साथ साथ में शनिदेव भी राहुदेव के नक्षत्र में जा रहे हैं। पांचवा घर होता है माँ लक्ष्मी का घर, और पांचवा घर होता है क्रिएटिविटी का घर, आपकी बुद्धि का घर, आपके बच्चों का घर, आपके परिवार का घर, मतलब बच्चों के परिवार का घर, और साथ साथ में होता है आपके लिए स्पेक्युलेशन का घर, स्टॉक मार्केट का घर। अगर स्लो एंड स्टडी आप इधर स्टॉक मार्केट में आगे जाना चाहे इस समय पे तो आपके लिए ठीक है, लेकिन अगर आप बहुत इंपल्सिव इंट्राडे करने लगेंगे तो आपका गेम ओवर हो जाएगा। आपको इंट्राडे के बदले थोड़े लंबे समय तक कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके लिए फेवरेबल टाइम है। साथ साथ में बिकॉज सत्विशा नक्षत्र एक नक्षत्र है हीलिंग से रिलेटेड, तो यहाँ पर आप एक्ट करेंगे एज अ हीलर, या आपके बच्चे एक्ट करेंगे एज अ हीलर टू यू। सो आपको अब अपना फोकस करना है कि आप हीलिंग लेने के लिए रेडी है कि नहीं रेडी है। और ये हीलिंग का मतलब ये नहीं कोई आपके ऊपर हाथ रख के बोलेगा तथास्तु, ये हीलिंग का मतलब नेचुरल रेगुलर लाइफ में आप पॉजिटिविटी को कितना अपने लाइफ के अंदर लेकर आ रहे हैं। पांचवा घर रोहित जी फेम का घर है, शनिदेव अगर यहाँ पर बैठ जाए तो देखिए अपने मूल त्रिकोण स्थान पे अगर बैठे तो क्यों नहीं वो काम करेंगे, वो आपको फेम का काम करेंगे, आपको फेम दिलाएंगे लेकिन स्लोली दिलाएंगे। तो आप अपने काम से काम रखिए, आपको स्लोली फेम मिलता रहेगा। साथ साथ में अगर हम शनिदेव की अभी दृष्टियों के बारे में बात करें रोहित जी, एक और बात रोहित जी मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर शनिदेव को यहाँ पर देखिए तो शनिदेव स्टार्टअप के भी कारक है, अगर आप कोई नई चीज शुरू करना चाहते हो तो शनिदेव आपको बहुत सपोर्ट करते हैं उसके अंदर, लेकिन वो एथिकल होनी चाहिए। एथिकल चीज आपने शुरू कर दी ना, देखो शनिदेव ही लेबर है और शनिदेव ही आपको बता सकते हैं कि क्या आप लेबर बन के रहोगे कि लेबर आपके पास काम करेंगे। बिजनेस करना है शनिदेव को देख लो भाई अपनी कुंडली में कि भाई शनिदेव मुझे बोलते हैं कि मैं लेबर बन के रहूं कि शनिदेव बोलते हैं कि तू चिंता ना कर तू बस आगे चल मैं तेरे को लेबर देता हूं, दोनों काम शनिदेव का है। तो
आप देखिए कि अगर आप स्टार्टअप करना चाहे इस समय पे तो आपके लिए अच्छी अच्छा टाइम है। डिपेंड करता है कि आप पार्टनरशिप में करते हैं कैसे नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर हम बात करेंगे दृष्टि होगी, शनिदेव की दृष्टि जो है तीसरी दृष्टि वो जा रही है आपके सेवंथ हाउस पार्टनरशिप पे और वहाँ जुपिटर बैठा हुआ है। तो आप पार्टनरशिप के अंदर कुछ काम करना चाहते हैं तो देख लीजिए अपनी दशा, अंतरदशा फेवरेबल है तो जरूर करिए, आपको गेन्स होने वाले हैं। उसका दूसरा रीजन ये है कि शनिदेव और बृहस्पति देव दोनों मिलकर ग्यारहवें घर को देख रहे हैं रोहित जी, और ग्यारहवां घर हो गया गेन्स का घर, तो इसका मतलब अगर आप पार्टनरशिप के अंदर कोई काम करेंगे तो आपको गेन्स भी मिलेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है पैसे इन्वेस्टमेंट से लेके, क्योंकि सेकंड हाउस पर शनिदेव की दृष्टि जा रही है, ये इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं, डामाडोल कर सकते हैं, तो ध्यान देना। साथ साथ में जो लोग मैरिज करना चाहते हैं एकदम सोच समझ कर आगे बढ़कर मैरिज करें फटाफट, ऐसा तो कोई नहीं कि कोई प्रॉब्लम है, लेकिन एकदम कमिटेड होकर मैरिज करें। क्योंकि बात यह है कि रोहित जी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शनिदेव ना सातवें घर पे देखते यहाँ की चीजें स्लो कर देते हैं, पांचवें घर में देखते यहाँ की चीजें स्लो कर देते हैं, दूसरे घर में देखते यहाँ की चीजें स्लो कर देते हैं, पांचवें घर में तो बैठे ही है सॉरी, तो पांचवें घर में लव एंड रोमांस का भी घर है, तो ये चीजों को थोड़ी स्लो कर दे। लेकिन अगर आपने कोई फिक्स हो गई ये बातें तो आगे बढ़ो और जय माता दी बोल के कर लो, देखा जाएगा आगे चल के। एंड ऑफ द वीडियो में रोहित जी हम यंत्र के बारे में बात करेंगे, ये हेल्थ से रिलेटेड यंत्र है, यानी आपकी आपकी बदन की हेल्थ से रिलेटेड, और ये बहुत इफेक्टिव यंत्र है अश्विनी कुमारा का, तो आप जरूर देखना। और आपको अगर वो यंत्र बना लेंगे आप छोटा सा और हेल्थ के लिए रख लेंगे तो आपके लिए बहुत फायदा होगा। स्कॉर्पियो वृश्चिक लग्न रोहित जी, शनिदेव चौथे घर के अंदर, अब चौथा घर देखेंगे तो हम माता का घर हो गया, हमारी भूमि का घर हो गया, हमारे वाहन का घर हो गया, हमारे सुख का घर हो गया, चौथा घर पहले से चौथा है, हमारी शरीर को किस तरह से सुख मिलेगा, चौथा घर क्या बोलते हैं अगर देखेंगे तो नौवे से आठवा है, तो हम देखेंगे कि अचानक से हमें अपनी किस्मत से कब हमें ये मिल जाए, क्या कहते हैं क्या बोलते हैं हमारी किस्मत से हमें फटाफट लैंड और गाड़ी कैसे मिल जाए, तो वो सब देखा जाता है। और शनिदेव यहाँ पर बैठे हैं, शनिदेव यहाँ पर बैठकर रोहित जी एक अच्छी काम ये करते हैं कि आपको इस समय पे जो भी गेन्स आपको सोशल सर्कल से मिलने की उम्मीद थी, आपको शनिदेव सत्विशा नक्षत्र में जैसे ही एंटर करेंगे मूल त्रिकोण एकदम पोजिशन पे आ जाएंगे और तीसरे घर का मालिक चौथे घर में आ गया, तो तीसरे घर से जितने भी मिलने वाले गेन्स है वो सब शनिदेव यहाँ पर देने लगेंगे, और वो स्पेशल गेन्स है रिलेटेड टू सोशल नेटवर्क। अगर आपको सोशल अपने ये सोशल नेटवर्क जो वर्ड है ना, इसका मतलब ये नहीं कि आपको फेसबुक से कोई गेन मिलने वाला है, इसका मतलब ये है कि आपके जो आस पड़ोस के लोग हैं वो आपको हेल्प करेंगे, आपके भाई छोटे भाई बहन आपको हेल्प कर सकते हैं यहाँ पर कुछ पाने के लिए। साथ साथ में चौथा घर खराब हो गया ये याद रखना, शनिदेव अगर जिस भी घर में बैठे अपने घर क्यों ना हो वो घर को वो हैवी कर देते हैं, चौथा घर खराब हो गया। और साथ साथ में आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी भी आ गई कि चौथा घर खराब हुआ और चौथे घर से तीसरी दृष्टि उनकी छठवें घर पे गई, दसवीं दृष्टि उनके कहते हैं ना दसवें घर पे, सातवीं दृष्टि दसवें घर पे गई और दसवीं दृष्टि उनकी पहले घर पे गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शनिदेव आपको डेट लेने पे मजबूर कर सकते हैं, शनिदेव आपको अपने वर्क प्लेस से कोई चेंजेस दिला सकते हैं, और दूसरी तरफ शनिदेव आपको आपको एज अ पर्सन आपको फॉरेन ट्रैवल करने के लिए भी मजबूर कर सकते हैं। इस समय में फॉरेन ट्रैवल होना बहुत इजीली पॉसिबल है, तो कोशिश करो फॉरेन ट्रैवल करने की, एंजॉय करो जाके बाहर घूम के आओ। और क्या बोलूं, यहाँ पर शनिदेव जो तीसरी दृष्टि आपके छठवें घर पे डालते हैं यहाँ पर बृहस्पति देव बैठे, यानी गुरुदेव यहाँ पर बैठे हैं, और गुरुदेव उनके साथ दोनों मिलकर दृष्टि डालते हैं आपके टेंथ हाउस पे, तो मेहनत भी करेंगे आप और साथ साथ में आपको करियर में ग्रोथ भी मिलेगी। डिसिप्लिन के अंदर काम करोगे आपको करियर में ग्रोथ मिल जाएगी इस समय पे, एकदम सिंपल बात। और साथ साथ में शनिदेव जब चौथे घर में आते हैं तो आपको कोई वाहन और गाड़ी का भी सुख दे देते हैं, वाहन या घर का भी सुख दे देते हैं, या तो क्योंकि सतविशा नक्षत्र में वो है, सतविशा नक्षत्र रिपेयर होता है ना, एक हीलिंग का घर है, क्या पता आपकी गाड़ी को या आपके घर में कोई हीलिंग की जरूरत हो, या आपकी मदर के साथ आपको टाइम स्पेंड करना हो, उनको हीलिंग की जरूरत हो, आप एज ए हीलिंग टूल आके जाके बढ़िए, कर्म करिए, शनिदेव आपको अच्छा फल देंगे ही देंगे, गारंटीड। ऑल द बेस्ट। एंड ऑफ द वीडियो में हम बात करेंगे एक यंत्र की जो आपके हेल्थ से रिलेटेड है, तो आप जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिए। सैजिटेरियस रोहित जी धनु लगन, अब धनु लगन वाले पहले तो बड़े खुश है क्योंकि शनिदेव चले गए यार उनके लाइफ से, और धनु राशि वाले भी बड़े खुश है कि भाई छोड़ा इन्होंने हमें, हमारी साढ़े साथी खत्म हुई। लेकिन साढ़े साथी खत्म होने के बाद भी फिर भी एकदम ज्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहे होंगे, क्योंकि शनिदेव आए कुछ देर के लिए फिर वक्री हो गए, उसके बाद वो
धनिष्ठा नक्षत्र में चले गए, अब वो सतभिषा नक्षत्र के अंदर 24 तारीख से एंटर करेंगे। वैसे तो मूल त्रिकोण स्थान कहा जाता है इसको, और सैजिटेरियस जितने भी धनु लगन वाले, एक और चीज इनको देखना चाहिए कि शनिदेव ही इनके बोलते ना कम्युनिकेशन के कारक है इस पूरे इसमें, और कम्युनिकेशन से सारा कुछ रिलेटेड शनिदेव का है। छोटी यात्राएं करना भी शनिदेव का है, लंबी यात्राएं करनी भी शनिदेव की है, फॉरेन सेटलमेंट भी शनिदेव से रिलेटेड, और ये सब कुछ इसलिए रिलेटेड है क्योंकि शनिदेव की दृष्टियां इस तरह से प्लेस्ड है। रोहित जी शनिदेव को देखो, अब रोहित जी शनिदेव तीसरे घर में बैठे जो छोटी यात्राओं का घर है, साथ में सीधी वो दृष्टि डालते हैं, पहले तीसरी दृष्टि डालते हैं वो अपनी पांचवें घर पे जो हो गया आपके एजुकेशन का घर, अपनी सातवीं दृष्टि वो नाइन्थ हाउस पे डालते हैं, और अपनी दसवीं दृष्टि रोहित जी वो बारहवें घर पे डालते हैं। तो 3, 9 और 12 ये तीनों का बन गया 3, 9, 12 का योग, और इसका मतलब ये है कि ऐसे लोग मोस्टली सैजिटेरियस वाले लोग फॉरेन यात्रा करते या कहीं बॉर्न होते हैं और दूसरी जगह जाकर रहने लग जाते हैं, अपने बर्थ प्लेस से दूर जाके रहने लग जाते हैं, फैमिली बिजनेस काफी करते हैं, फैमिली से रिलेटेड, अगर फादर बैंक में है तो ये भी बैंक में जाते हैं, मदर टीचर है तो ये भी टीचर बनती है, तो इस तरह से इनका लाइफ देखने को मिलता है। अगर ऐसा कुछ है तो आप जरूर नीचे कमेंट करके बताना हमें। अब शनिदेव यहाँ पर आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स देना शुरू करेंगे, आपके इंटरेक्शंस जो होंगे लोगों के साथ वो बहुत क्लियर क्रिस्टल क्लियर होंगे यहाँ पर, और आपके अंदर हीलिंग वाली एबिलिटी आ जाएगी। शनिदेव जब सतभिषा नक्षत्र में जाते हैं हीलिंग करते हैं, हील एवरीवन, और ये आप अपने फ्रेंड्स को, अपने आजू बाजू के परिवार के लोगों को या अपने छोटे भाई बहनों को एक हीलिंग वाला एक्सपीरियंस देंगे इस समय। वेल्थ आपकी हील हो जाएगी, आपको जो जो वेल्थ की प्रॉब्लम है वो सब आप बोलेंगे ना अभी अचीव करने लगोगे वेल्थ अपने पास। साथ साथ में अगर आप छोटी छोटी यात्राएं करोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। एजुकेशन में अगर आप कुछ करना चाहते हो, क्योंकि शनिदेव अगर आपके तीसरे घर में बैठे हैं तो बृहस्पति देव उसी समय पर आपके पांचवें घर में बैठ के कह रहे हैं कि भाई क्या सोच रहे हो, हायर एजुकेशन करो, कुछ पढ़ो, आगे बढ़ो। तो यही शनिदेव, अगर आपको स्लो होगा पर होगा फॉर श्योर, क्योंकि बृहस्पति देव जहां बैठे उस पर शनिदेव की दृष्टि है, बृहस्पति देव का थोड़ा सा एनर्जी तो शनिदेव की दृष्टि को भी हैंडल करने में, साथ साथ में वो आपको उस घर का लाभ भी देना चाहते हैं। साथ साथ में जो बृहस्पति देव की पांचवी दृष्टि है एजुकेशन से रिलेटेड, वो आपके नाइन्थ हाउस में पड़ती है। सैजिटेरियस एसेंडेंट वाले सबसे ज्यादा इस समय पर हायर एजुकेशन करेंगे। अगर आप कर रहे होंगे तो आप जरूर कमेंट करके बताइए नीचे, क्योंकि ये रिसर्च का फैक्टर है। एंड ऑफ द डे कहानी ये है सिंपल कि आपके लिए कम्युनिकेशन वाइज बहुत अच्छा होगा, आपका सतभिषा है, आपकी कम्युनिकेशन दूसरों के लिए हीलिंग होगी, तो आप जो भी बोलेंगे दूसरों को उससे फायदा होगा। तो आप इस समय पर अपनी वाणी पे कंट्रोल रखकर बहुत अच्छी अच्छी चीजें यूनिवर्स में बोले, ताकि सब लोग उसका आनंद ले सके और आपको भी परम आनंद आ जाए। रोहित जी बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसी बातें बोलने की सबको परम आनंद आ जाए, लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर के लिए ये इतना इजी नहीं होता, उसको ऐसी बातें बोलनी होती हैं जो आपकी कुंडली में है, लेकिन साथ में उपाय भी देते हैं, इसीलिए चीजें सुधरती भी हैं। तो 2024 का ईयरली हॉरोस्कोप पैकेज हमने लॉन्च कर दिया है, बहुत सारे लोग लाभ ले चुके हैं। अगर आप भी अपना 2024 प्लान करना चाहते हैं, कहाँ कमी है, कहाँ क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कौन सा महीना खास है, तो आप भी आकाश जी के साथ वीडियो कंसल्टेशन पे बैठ जाएं। मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर जो आपके स्क्रीन पे इस वक्त दिख रहा है आपको, उस पर आप डिटेल सेंड कर दें और टीम आपको कॉन्टेक्ट करेगी। जी रोहित जी, अब हम आगे बढ़ते हैं मकर लगन। तो पता है बड़ा बेसब्री से इंतजार करते हो ये लगन का। मकर लगन को देखेंगे तो शनिदेव दूसरे घर के अंदर 17 जनवरी से आ गए। 17 जनवरी से आने के बाद उन्होंने क्या किया यहाँ पर, उन्होंने आकर धनिष्ठा नक्षत्र में थे, सतभिषा नक्षत्र में एंटर किया, रेट्रोगेट हो गए, वक्री हो गए, फिर से धनिष्ठा से निकलकर डायरेक्ट हो गए, और सतविषा से धनिष्ठा गए, धनिष्ठा से वापस अभी डायरेक्ट हुए 4 नवंबर को, और अब जाएंगे सतविषा नक्षत्र में फिर से, जो राहु देवता का नक्षत्र है, राहु ने भी अपना गोचर कर लिया, राहु देव आ गए आपके तीसरे घर में, और बृहस्पति देव अब अकेले हो गए बहुत राजा की तरह आपके चौथे घर में। सुनो जी, ये आपकी कहानी हुई है अभी फिलहाल पूरी अगर देखेंगे तो। अब यहाँ पर रोहित जी बृहस्पति देव आपके चौथे घर में बैठे और शनिदेव की वहां पर दृष्टि भी जाती है, इसके बारे में हम बात करेंगे, पर उससे पहले शनिदेव आपके दूसरे घर में आ गए हैं, यानी सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी रिस्टोर कर देंगे, आपकी हील हो जाएगी। बोलते ना आपके ऊपर जो आपने जो थोड़ा टाइम देखा होगा जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी नहीं थी या कोई प्रॉब्लम चल रही थी आपकी लाइफ में रिलेटेड टू आपके स्टेटस, वो रिस्टोर हो जाएगी इस समय पर, आपकी रिपेयर हो जाएगी, क्योंकि
सत्विषा नक्षत्र का काम ही हीलिंग करना। सीक्रेटली आप थोड़ा सा ध्यान देना कि सीक्रेटली कोई परिवार का मेंबर आपको कोई तकलीफ देने की कोशिश कर सकता है। साथ साथ में स्पीच आपकी इतनी अच्छी आप कर लीजिए या हो जाएगी कि आपकी एक एक वाणी से दूसरों को फायदा यानी दूसरों को हीलिंग मिलने शुरू हो जाएगी। देखिए रोहित जी, ये एडिक्शन का भी टाइम है और एडिक्शन आजकल के समय पे खाली शराब और सिगरेट नहीं रह गया। एडिक्शन मतलब आजकल फोन पे भी एडिक्शन हो जाती है, यानी आपके ऊपर बहुत सारी चीजें। ये नक्षत्र जो एडिक्शन का नक्षत्र है तो आपको कोई एडिक्शन भी हो सकती है, तो उसका ध्यान रखिए। स्पेशली अपनी आंखों का, आंख सेकेंड हाउस से रूल की जाती है, सेकेंडली अपने मुंह का, दांतों का, है ना, अपने माउथ हाइजीन का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है इस समय पे। ऑन अ पॉजिटिव नोट, शनिदेव यहाँ पर आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को स्थिर कर देंगे, बहुत अच्छे से आपको फाइनेंशियल आपकी स्टेबल कर देंगे, आपकी फाइनेंशियल को, बैंक बैलेंस आपका धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और आपके डेट्स कम होने लगेंगे। शनिदेव यहाँ पर कहते हैं कि मैं तीन दृष्टियां डालता हूँ, तीन दृष्टियां जो सेकेंड हाउस से वो डालते हैं आपके चौथे घर पे, वो डालते हैं आपके अष्टम पे और वो डालते हैं आपके ग्यारहवें घर पे। तो आपने देखा कि ग्यारहवें घर और सेकेंड हाउस का रिलेशन बन गया। तो आपको पैसे कहाँ से मिलेंगे अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेंगे आपके स्ट्रगल से, और स्ट्रगल कहाँ होगा, आपके परिवार के अंदर। तो परिवार के थ्रू आपको पैसे मिलने के चांस बन सकते हैं, या साथ साथ में परिवार के अंदर आपको इस समय पे एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। आपको कहाँ से मिलेगा पैसा, रिसर्च से मिलेगा। अगर आप रिसर्च करेंगे और रिसर्च को एम्प्लाय करेंगे तो आपको उससे पैसा मिलेगा, क्योंकि शनिदेव की दूसरी दृष्टि है वो जाएगी आपके अष्टम पे, और अष्टम का मतलब होता है रिसर्च, कोई रिसर्च करना, ट्रांसफॉर्म करना अपने आप को, कुछ नई चीज सीखना, एस्ट्रोलॉजी को यूज करना अपने लिए, ये सब चीजों से आपको फायदा मिलेगा। और जो तीसरी दृष्टि जा रही है रोहित जी, वो जा रही है आपके ग्यारहवें घर पे, यानी आपके अगर आप डिसिप्लिन में रहोगे तो आपके गोल्स आप अचीव कर पाओगे, और गोल्स अचीव कर लिया तो आपको गेन्स होंगे, वेरी सिंपल। इस समय पे अगर आप नए अपॉर्चुनिटीज ढूंढना चाहते हैं स्पीकिंग से रिलेटेड, कि बात करके पैसा कमाना है, तो आप जरूर कर सकते हैं। अगर आपके पुराने वेंचर से जो आपने छोड़ दिया, या अगर आप किसी के लिए काम करते हो जो आपको वैल्यू नहीं करता, तो आपको उससे वैल्यू अपनी मांगनी चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट हील करने आए हैं शनिदेव सत्विषा नक्षत्र में जाकर। सो होपफुली भगवान करे आपके लिए बहुत शुभ समय हो। और लास्ट में हम लोग हेल्थ की डिस्कस करें, हेल्थ का एक यंत्र, अगर आप हेल्थ से, आपके परिवार में कोई हेल्थ से पीड़ित है, तो ये यंत्र आप जरूर बना के उनको पहनाएं, उनके लिए बहुत ज्यादा लाभ होगा। एक्वेरियस कुंभ लग्न, लग्नेश पहले बेचारा रेट्रोगेट ऊपर से, उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र में जाके, उसके बाद वो धनिष्ठा नक्षत्र से निकल के जब डायरेक्ट हुआ तो वो धनिष्ठा में ही है, अब जाएगा वो डायरेक्ट होकर सत्विषा नक्षत्र में। और यहाँ पर तो शनिदेव का मूल त्रिकोण स्थान है, मतलब यहाँ पर वो सबसे ज्यादा बेनिफिट देते हैं, एग्जैक्टली लाइक एन एग्जॉल्टेड शनिदेव। यही अगर वो आपके भाग्यस्थान में बैठे तो एग्जॉल्टेड हो जाए, है ना, तो ये इस तरह का आपको बेनिफिट देते हैं। अब शनिदेव सत्विषा नक्षत्र में जब एंटर करेंगे तो आपको अपने बॉडी के अंदर, अपने माइंड के अंदर, अपनी सोल के अंदर एक नई तरह की ऊर्जा देखने को मिलेगी। और ये ऊर्जा स्पेशली होगी एकदम, बोलते हैं ना, एकदम कहते हैं ना, आपकी, आप अभी वो पूरे गर्म भट्टी में से निकल के बाहर आए हो, एकदम लाल हो, और आप एकदम ट्रांसफॉर्म होने वाले हो इनटू वो ग्लास। आप देखा कभी, आपने कभी जब कांच बनता है तो कितना लाल होता है, लेकिन फिर धीरे से सुंदर एकदम क्रिस्टल क्लियर बन जाता है, उसके तरह आपके साथ भी होने वाला है। आप एकदम रिफाइन होके निकलोगे बाहर इस समय पे, और ये रिफाइन होने के बाद आप दुनिया के लिए हीलिंग मटेरियल बन जाओगे, दुनिया को आप हील करोगे। जितने भी आपके आस पड़ोस के लोग हैं, आपकी दृष्टियां देख लो शनिदेव की, आपके आस पड़ोस के लोग उनको हील करोगे। जितने भी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है उसको एक नया तवज्जो दोगे, आप बोलोगे कि चाहिए यार रिलेशनशिप ठीक करने हैं सारे, वो करोगे। और साथ साथ में आपके दसवें घर के अंदर अगर आपके करियर के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, जिसमें आप करियर में बराबर फोकस नहीं कर पा रहे थे, लोग आपको तकलीफ देने की कोशिश कर रहे थे, अब आप अपने ट्रू सेल्फ में आ जाओगे और आप अपने आप को वहां पर भी हीलिंग लेके आओगे आपके साथ। शनिदेव का सबसे बड़ा जो रीजन यहाँ पर वो है, वो आपको है था तारना, आपको उसने पूरी तरह से तल दिया, अब आप वो समोसा बनने ही वाले हो, बस वो लाल होने की देरी है। तो आप, अमेजिंग टाइम है आपके लिए, वेरी गुड टाइम है, मतलब ब्यूटीफुल टाइम है। लग्नेश अपने ही घर में बैठकर मूल त्रिकोण होकर अच्छे नक्षत्र में, उसके कंफर्टेबल नक्षत्र, देखो धनिष्ठा नक्षत्र लड़ाई वाला नक्षत्र, ये लड़ाई झगड़ा करवाता है, तो वो ही आपके साथ हो रहा होगा। आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने लास्ट 6 महीने के अंदर कितनी लड़ाइयां की है, तब आपको पता चलेगा हाँ भाई यार ये तो सही था। अब देखना, और सत्विषा नक्षत्र में भी जब वो उल्टे थे, जब वो रिवर्स चल रहे थे, तब आपने बहुत सारी चीज जो हील हो सकती थी उसको खुद ही डिस्ट्रॉय किया होगा।
अब आप उस सबको हील करके आप बोलेंगे ना, आप अपने घुटने टेक देंगे और बोलेंगे कि मैं सरेंडर करता हूँ और लेट स्टार्ट एक न्यू लाइफ, ये वाली आपकी कहानी होगी। इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए कि आप शनिदेव थोड़े कनिंग भी है नेचर में, तो आप ना बायस नेचर ना रखिए। अगर आपको आपके कोई फेवरेट्स है, आपके वर्क प्लेस पे आप डिसीजन मेकर है, आप बॉसेस लेवल में आते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो आप मेक श्योर करें कि आप दूसरों को तकलीफ ना दें प्लीज। आप एकदम सबको इक्वली ट्रीट करें, जिस तरह शनिदेव इवन भगवान को भी इक्वली ट्रीट करते हैं, तो आपको फायदा देखने को मिलेगा। जरूर सब्सक्राइब करें। और एंड ऑफ द वीडियो में हेल्थ रिलेटेड एक यंत्र की बारे में बात करेंगे। आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी फ्रेंडशिप में कोई अगर हेल्थ से पीड़ित है तो उसको जरूर ये यंत्र दीजिए, उसको बेनिफिट देखने को मिलेगा। आपके सामने आप आजमा के देखिए, ऐसा कुछ नहीं कि आपकी जागीर या जमीन बिक जाएगी उसमें, आप आजमा के देखिए, आपकी हेल्थ में बहुत ज्यादा फर्क आएगा। मीन लगन रोहित जी, मीन लगन वालों के लिए शनिदेव, इनकी तो भाई कहानी मस्त चल रही है रोहित जी। देखिए लगन में आ गए हैं राहु देव, सेकंड हाउस में आ गए हैं बृहस्पति देव और बारहवें घर में हैं, और इनके बारहवें घर में ही शनिदेव मूल त्रिकोण बनते हैं। सुरेश जी, बारहवां घर तो लॉसेस का घर हो गया, लेकिन ये टाइम पे लॉसेस का ही टाइम है, पर लॉसेस नॉट पैसे का लॉसेस, लॉसेस आपके डर का लॉसेस, डर आपका खत्म हो जाएगा, आपका डर का लॉस हो जाएगा, आपको इस समय में हिम्मत आएगी। आप एक बार बोलते ना, आपको स्पिरिचुअलिटी, आपको ईश्वर में सच में विश्वास आ जाएगा इस समय पर। जैसे ही शनिदेव सतभिषा नक्षत्र में जाएंगे राहु के नक्षत्र में, राहु आपके पहले ही लगन में बैठा है, हीरोइक बना देता है, हीरो, वो बोलता है कि मैं ही मैं हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है। लेकिन साथ में अगर मैं के साथ ईश्वर भी जुड़ गया ना, कि मैं और मेरा ईश्वर, तो फिर आपके व्यारे न्यारे हो गए, मतलब फिर कोई दुनिया में आपको कोई ट्रबल नहीं दे सकता। ये टाइम पे अगर आप देखेंगे तो स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन, आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ, शनिदेव एक बहुत स्पिरिचुअल प्लैनेट है भाई। तो देखो, जब आदमी दुख देखता है ना, शनिदेव ने बचपन से दुख देखा, उनका जन्म हुआ छाया माता के पास, उनको ये शनि अपने पिता ने ही उनको नहीं लिया अपने पास, उन्होंने बचपन से कितना दुख देखा है सोचो। सो जब शनिदेव इतना दुख देख लेते हैं ना, तो ऐसे लोग फिर स्पिरिचुअलिटी की, इन उनको ईश्वर के अलावा कोई नहीं दिखता, उनको लगता है भाई अब कोई बचा सकता है तो वो बचा सकता है जो इस दुनिया में मुझे लाया है। तो अगर आप इस समय पर शनिदेव की कहते हैं ना ये वाली चीज पे चले जाओगे, जहां पर आपको अंदर से अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम है, आपकी स्पीच में भी स्पिरिचुअलिटी होगी, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि वहां जा रहे हैं। लेकिन आप पैसा बनाने में, पैसा जमा करने में इस समय पे आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। अच्छा, बृहस्पति देव वही है आपके दूसरे घर में, जो ये भी बोलते हैं कि नहीं मैं पैसा बढ़ाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि को कंट्रोल करने में आपको उधर पैसा बढ़ाने में मदद नहीं करेंगे ज्यादा, लेकिन आपकी स्पिरिचुअलिटी आपको मदद करेगी। तो स्पिरिचुअल रहो ताकि शनिदेव रिलैक्स रहे और बृहस्पति देव को अपना काम करने, साथ साथ में दोनों की कॉमन दृष्टि बृहस्पति देव और शनिदेव की पड़ रही है आपके सिक्स हाउस पर, यानी हेल्थ पर। बृहस्पति देव यहाँ पर लोन, आपका कर्जा बढ़ा सकते हैं, लेकिन साथ साथ में शनिदेव यहाँ की जो दृष्टि डालते हैं सातवीं, ये आपके हेल्थ के अंदर एक बहुत अच्छा चेंज ला सकती है। हीलिंग, आपको बहुत गुड लक मिलेगा हेल्थ के रिलेटेड, वाह मेरी हेल्थ में बहुत ज्यादा चेंजेस आने लगते हैं। राहु पहले घर में बैठ के बहुत एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस दे देते हैं, तो आपको हेल्थ वाइज अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो अपनी कॉन्फिडेंस के थ्रू ही आप अपने हेल्थ को जीत पाओगे। तो जी, मैंने वो स्टोरी बताई थी ना आपने, आपको भी बताई थी मैंने शायद, कि वो आपने या तो मुझे बताई थी कि जो एक्सपेरिमेंट हुआ था कि तुझे सांप से कटवाएंगे, और उसकी आंख बंद करके उसको सांप से नहीं कटवाया, उसको सिर्फ नीडल मार दी, लेकिन वो मर गया। जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो आया डेथ थ्रू पॉइजन, जबकि वो सिर्फ ब्रेन ने बना लिया पॉइजन, प्लेसिबो इफेक्ट, उसे मेडिकल साइंस में प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। हाँ, तो प्लेसिबो इफेक्ट में मत रहना इस समय पे, क्लियर इफेक्ट में रहना कि भाई कर्म करने से ही सब कुछ मिलेगा, क्योंकि आपका भाग्य आपके साथ है, शनिदेव की दसवीं दृष्टि आपके भाग्य के साथ है, तो आपके कर्म करोगे आपका भाग्य उदय होगा, एकदम सिंपल कहानी। ये अच्छे कर्म करो, बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा रोहित जी इस समय पे, एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द पाइसेस असेंडेंट आल्सो। चलिए, सबके लिए बहुत बहुत अच्छा रहे ये शनिदेव का सतभिषा में आना, और अपने 2024 को भी अगर आप और अच्छा बनाना चाहते हैं तो अब बेहतरीन मौका है, क्योंकि आपके लिए स्पेशल एसी एस्ट्रो फैमिली जो कहते थे कुछ अच्छा सा पैकेज दीजिए हमें, तो उनके लिए ये पैकेज लॉन्च किया है, बहुत सारे लोग इसका लाभ ले चुके हैं, थोड़ा सा वेटिंग भी चल रहा है, लेकिन कोशिश है कि 2023 में ही आपको कंसल्टेशन दें और आपको ये बताएं कि 2024 कैसा रहने वाला है। विदेश जाने वाले हैं,
कुछ खरीदने वाले हैं, बच्चे की पढ़ाई से रिलेटेड डिसीजन है, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट मैरिज, कौन से मंथ में करना है या नहीं करना है। प्लान कर लें आकाश जी के साथ बैठ के, व्हाट्सएप नंबर और मेल आईडी स्क्रीन पे हैं, अपनी डिटेल्स भेजें और टीम आपको कॉन्टेक्ट करेगी। जी रोहित जी, अब हम बात करते हैं यंत्र के बारे में। ये है अश्विनी कुमारा का यंत्र, या कह लो ये है हेल्थ का यंत्र। ठीक है, सबसे पहली बात, ये यंत्र अगर आप बना ले तो एकदम छोटी सी कागज ले, भोजपत्र का कागज लेंगे तो बेटर है। अब मैंने बहुत देखा, मैंने बहुत पढ़ा, बाई चांस अब नहीं है तो आप कहते हैं ना कि ईश्वर कहता है कि बस तुम कोशिश तो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो एक छोटा सा ऐसा पीस ले ले येलो, उसके ऊपर लाल पेन से, लाल स्याही से ऐसा नंबर्स लिखे और अपने पास डाले। लेकिन अगर आपको चाहिए कि बहुत स्पेसिफिकली आपको करना है बहुत वैदिक तरीके से, तो आप अनार की कलम ले। अनार की कलम में अष्टगंध, आप जाएंगे दुकानों में पूजा के, आपको अष्टगंध मिल जाएगा। अष्टगंध ले, स्मॉल छोटा सा पीस भोजपत्र का ले और गंगा जल ले, इसमें से इंक बनाए और इसके बाद इस तरह से यंत्र जिस तरह से सामने ड्रॉ किया हुआ है, ये ड्रॉ करके छोटा सा रोल करके अपने ताबीज में पहन लीजिए गले में, या जो लोग नहीं पहन सकते तो लेदर के अलावा कोई वॉलेट में रख लीजिए अपने पास, अपने पास रखिए इसको, या सुबह उठ के इसको अपने हाथ में लेके जब आप कराग्रह वस्ते लक्ष्मी करते हैं, करते ही होंगे आई थिंक, पता है कि नहीं आपको कराग्रह वस्ते लक्ष्मी का कितना ज्यादा बेनिफिट है। जब आप सुबह सुबह उठे तो आप अपना हाथ खोले और लिखे कराग्रह वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम, और अपने हाथ को चूमा भी करिए। इससे आपको ये कहते हैं कि मेरे हाथों में लक्ष्मी भी है, सरस्वती भी है और विष्णु भी है, तो हे तीनों देवता मुझे बहुत ज्यादा होते ना, मेरे हाथों से जो भी कर्म हो वो अच्छे कर्म हो, यही आप प्रार्थना करें। तो साथ साथ में ये यंत्र बनाए और अपने पास रखे, आपको बहुत ज्यादा 110% बेनिफिट देखने को मिलेगा। आप कोशिश तो करिए, देखिए उसके बाद मजा ईश्वर का। रोहित बिल्कुल सही कहा आपने, कोशिश यही है कि किस तरह से आपको लाभ पहुंचे। इसीलिए आकाश जी ने पहले आपको धन से रिलेटेड बताया यंत्र, फिर जॉब चेंज से रिलेटेड बताया, और अब ये बताया आपको हेल्थ से रिलेटेड। और मैं हर बार जैसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि वो अक्सर मना कर देते हैं कि इतने यंत्र मैं बना नहीं पाता हूँ, क्योंकि जब बनाना होता है तो एक्यूरेसी चाहिए होती है, कंसंट्रेशन चाहिए होती है, वो मुहूर्त चाहिए होते हैं, सिद्ध करना पड़ता है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा, अगर आप कहीं ऐसी जगह रहते हैं वर्ल्ड में जहाँ पे आपको ये नहीं लगता है कि आप बना सकते हो, तो आप मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है इस पे डिटेल्स भेज सकते हैं और फिर टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी, और अगर पॉसिबिलिटी हुई तो आकाश जी जरूर बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, इसी तरीके से हमें सब्सक्राइब करते रहें, फैमिली मेंबर बनते रहें, आशीर्वाद देते रहें अपना, और वैसे भी कोई नॉर्मल कंसल्टेशन भी देना चाहते हैं तब भी मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं। आकाश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके रिसर्च और आपके सहयोग से बहुत सारे लोगों के भ्रम दूर होते हैं, वहम दूर होते हैं, मोटिवेशन मिलता है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय माता दी।